Everyone, Brains, जा आपको 100 की जाती है मतलब आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद पेमेंट करने की नहीं होती है। so, बात से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दिस इज बरखा गुप्ता योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास इलेवंथ और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास इलेवंथ आईपी का चैप्टर नंबर सिक्स इंट्रोडक्शन टू नंपाई का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑपरेशन ऑन एरेज यस स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर का प्रीवियस टॉपिक ऑपरेशन ऑन एरिस के पहले इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में अब इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग

है एरे कैसे क्रिएट करनी है ठीक है कैसे इंडेक्सिंग होती है कैसे स्लाइसिंग होती है एरे क्या होती है कितने तरीके से आप नंपाय एरे को क्रिएट कर सकते हो लेकिन जब बात आती है एक से ज्यादा एरे पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की तब आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो सो वंस एरे आर डिक्लेयर वी कैन एक्सेस इट्स एलिमेंट एक बार यदि आपने एरे को डिक्लेयर कर दिया क्रिएट कर दिया देन वी कैन एक्सेस इट्स एलिमेंट्स परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन तो हम उस पे कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं ओके okay, जो कि हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि आपने एरे क्रिएट किया एरे को क्रिएट करने के बाद में डिक्लेयर किया डिक्लेयर करने के बाद में हमने क्या किया एरे पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए नाउ अब इस सेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं सेक्शन मल्टीपल ऑपरेशन मल्टीपल ऑपरेशन क्या हुए कुछ ऑपरेशन है जो हम एक से ज्यादा एरेस पे परफॉर्म कर सकते हैं अब अरिथमेटिक ऑपरेशन नाम से समझ में आ रहा है मतलब प्लस माइनस इंटू डिवीजन मॉड्यूलस ठीक है एक्सपोनशियन लाइक like इस तरीके के आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो किस पर एरेस पर तो यहां पर आपको एक से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी और एक से ज्यादा ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन फाइन ट्रांसपोज और सॉर्टिंग सॉर्टिंग तो सभी को क्लियर है ना कि एरे को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना एक सीक्वेंस में अरेंज करना ट्रांसपोज क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो बेसिकली ये तीन ऑपरेशंस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इन तीनों ऑपरेशंस

इस तरीके की जब नीड होती है तब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की uh, को यूज करते हैं व्हेन वी परफॉर्म अ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिविजन, एटसेट्रा ऑन टू एरेज द ऑपरेशन इज डन ऑन ईच कॉरस्पोंडिंग पेयर ऑफ एलिमेंट तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कॉरस्पोंडिंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा मतलब टू क्रॉस टू की एरे है दो है ना टू बाई टू की दो एरे तो हर एक एलिमेंट वाइज है ना pair wise क्या होगा operation perform होगा फर्स्ट एलिमेंट इन द सेकेंड एरे एंड सो ऑन समझ में आया कि यहाँ पे कैसे एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होगा यदि पहली एरे का पहला एलिमेंट है तो दूसरी एरे का भी पहला ही एलिमेंट होगा जो एड होगा ठीक है पहली एरे का दूसरा एलिमेंट होगा तो दूसरी एरे का भी दूसरा एलिमेंट होगा जो एड होंगे, add, subtract, multiply, होंगे। so, समझ में आ गया कैसे इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होना है क्लियर क्या प्रोसेस होनी है एक्चुअली कैसे एडिशन मल्टीप्लीकेशन होना है वो अभी हमने देखा अब इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक्चुअली से समझने के लिए दो एरे को

फाइन इसी तरीके से आपने एरे टू को क्रिएट किया एनपी डॉट एरे फंक्शन की मदद से और ये हो गई आपकी नेस्टेड लिस्ट जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं सो ये भी आपकी एरे क्या हो गई एक टू डी एरे क्रिएट हो गई तो ये टू डी अरेज हमने एरे वन एरे टू के नाम से क्रिएट की है ठीक है ये कौन सी एरे हो गई आपकी एरे वन जिसपे हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं एंड दिस इज एरे टू ठीक है बहुत ध्यान रखना जब भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ठीक तो कर है तो दोनों अरे का साइज सेम होना चाहिए यदि हम टू डी अरे की बात कर रहे हैं तो दोनों अरे का साइज सेम होना चाहिए क्लियर ऐसा नहीं कि एक क्रॉस की अरे है और एक टू क्रॉस थ्री की है या थ्री क्रॉस फाइव की है या थ्री क्रॉस टू की है दोनों अरे का शेप इक्वल होना चाहिए एक्जेक्टली exactly यदि बात की जाए तो ओके सो फर्स्ट एरे में क्या एलिमेंट है एलिमेंट ध्यान से देख लो पहले एरे में हमारे एलिमेंट है थ्री सिक्स फिर से लिखती हूँ मैं पहली एरे में हमारे एलिमेंट है थ्री सिक्स फोर टू और दूसरी ऑपरेशन okay? दिस, एक -एक को सो so, ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होने एलिमेंट वाइज पहली चीज तो ये अपने माइंड में क्लियर रखना कि हर एक एलिमेंट टू एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा फाइन अब पहला ऑपरेशन जो है वो है एडिशन एडिशन के लिए हमने दो एरे क्रिएट की है है ना कौन सी एरे क्रिएट की है ये है आपकी एरे वन ठीक है और ये है एरे टू क्लियर अब इस पे हमें क्या करवाना है एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो क्या लिखा हमने यहां हमने यहाँ पे लिखा एरे वन प्लस एरे टू ठीक है मतलब कोड भी जब आप करोगे तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया है किसका प्लस ऑपरेटर का एरे वन एरे टू एड हो जाएंगी कैसे एड होगी थ्री एड होगा किसके साथ टेन के साथ है ना पेयर वाइज होगा एलिमेंट दोनों में सेम मतलब जो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होंगे जो भी पोजीशन है जो भी एरेज है वो सेम साइज की सेम शेप की होनी चाहिए तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये हो गई आपकी कौन सी पोजिशन जीरो इंडेक्स हो गए यहाँ पे ये भी इंडेक्स हो गए ठीक है ठीके? तो ये आपका जीरो जीरो पोजिशन पर है ये जीरो वन पर है ये वन जीरो पर है और ये वन वन पोजिशन पर है इसी तरीके से जीरो जीरो पोजिशन पे थ्री है जीरो वन पे ट्वेंटी है वन जीरो पे फिफ्टीन है और वन वन पे ट्वेल्व है तो जब एडिशन होगा तो कौन सा एलिमेंट ऐड होगा थ्री ऐड होगा टेन सेम सेम पोजीशन वाले एलिमेंट ऐड होंगे फिफ्टीन तो तो और फोर ऐड होगा तो नाइनटीन आ जाने वाला है टू और ट्वेल्व एड होगा तो फोर्टीन आ, तो आ जाने वाला है तो ये हो गया आपका एरे वन प्लस एरे टू कैसे एड हुआ ये चीज समझ में आई ना कि पोजिशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट एड हुए हैं उनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग दोनों एरे सेम साइज की होना चाहिए और जीरो जीरो पोजिशन पे दोनों एरे में जो एलिमेंट है वो एड हो गए 11 position पे 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 जो 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 दोनों में है 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 वो 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 हो हो गए गए ना भी एड हो गए ठीक है, position element है गए. तो पोजिशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट वाइज एडिशन हुआ बिल्कुल इसी तरीके से सब्ट्रेक्शन भी होगा सो लेट सीधी आंसर आंसर क्या जनरेट हुआ देखो आंसर आपका वही सेम आ रहा है कि जो एरे जनरेट हुई है प्लस होने के बाद थर्टीन ट्वेंटी है ना सिंपल इसी तरीके से आपकी एरे जनरेट हुई अब ऐसे क्या होगा सब भी होगा सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या होगा एरे वन माइनस ऑपरेटर का हम यूज करेंगे किस ऑपरेटर का यूज करेंगे हम माइनस ऑपरेटर का ठीक है सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस एरे टू जब एरे वन को एरे टू में से माइनस करोगे दैट इज थ्री माइनस दैट इज माइनस तो देखो पहला एलिमेंट माइनस आया इसी तरीके से फोर माइनस तो कितना आ जाएगा आंसर माइनस है ना सिक्स माइनस ट्वेंटी दैट इज माइनस फोर्टीन टू माइनस ट्वेल्व माइनस टेन सो क्लियर हुआ ये अच्छे से कि कैसे अरे में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं टू डायमेंशनल अरे की बात करें वन करेंशनल में तो इजीली हो जाएंगे ना एलिमेंट्स इजीली प्लस माइनस हो जाएंगे लेकिन टू डायमेंशनल अरे में कैसे एलिमेंट वाइज ऑपरेशन हो रही है ये समझ में आ रहा है फाइन तो अभी हमने क्या देखे दो ऑपरेशन देखे कौन कौन से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्लियर अब देखते हैं हम नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से होंगे है ना क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी यहाँ पे की. को देखा तो तो होगा आपने ठीक है तो जब मल्टीप्लाई आपको करवाना है दोनल दा, अरेस को तो आप कैसे करवा हो सकते हो दो तरीके से पहला तरीका यह है कि आप यहाँ पे स्टार ऑपरेटर का मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई का यूज करो एरे वन मल्टीप्लाई एरे टू ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर जैसे प्लस और माइनस हुआ उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएगा थ्री इंटू टेन थर्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी देखो ये आपका आंसर जनरेट हुआ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हुआ कैसे मल्टीप्लीकेशन हुआ यहाँ पे थ्री इंटू सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर इंटू फिफ्टीन फाइन थ्री इंटू टेन है ना फोर इंटू फिफ्टीन एंड टू इंटू ट्वेल्व तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जनरेट हो 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 गया 30, 120, 60 24. हो गया गया एंड एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म तो ये हो गया आपका कौन सा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जो स्टार ऑपरेटर से परफॉर्म हुआ है लेकिन यदि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन चाहते हो कौन सा मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए एट द रेट साइन का यूज किया जाता है किसका यूज किया जाता है एट द रेट अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने के लिए एक रो का दोनों दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई होता है कैसे वो देखते हैं देखो हमारे पास दो अरे क्या क्या है मैं यहां लिख रही हूँ फिर से थ्री सिक्स फोर टू और टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेल्व तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे रिटर्न होगा आपको वो हम देखते हैं अब ठीक है ओके okay. सो so, पोजीशन याद है आपको दोनों एरे की है ना कि टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है हमारी ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हुआ अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ये जो पहली रो है आपकी ये इन दोनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होती है और एट दैट एड होती है कैसे ध्यान से देखना यहाँ पे थ्री का मल्टीप्लाई हम पहले टेन से करेंगे तो थ्री इंटू दैट इज थर्टी प्लस सिक्स का मल्टीप्लाई फिर फिफ्टीन से करेंगे

now 420 is 80 ठीक है प्लस 122 24 अब इसका प्लस कर लो देखो कितना आ रहा है 120 ठीक है नाउ 132 70 एंड देन 104 सो so, देखो आंसर क्या आ रहा है आपकी मैट्रिक्स का आपकी मैट्रिक्स का आंसर भी यही आ रहा है जब आपने एरे वन एरे टू पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया तो 120 132 है ना और 70 10

से होता है तो ये अगर मल्टीप्लीकेशन समझ में नहीं भी आ रहा है तो डरने की बात नहीं है ठीक है आपको कौन सा मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई तो इंटरप्रिटर करेगा ठीक है so, सो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है क्लियर सो so, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हमने कैसे देखा दो तरीके से देखा स्टार का मतलब क्या स्टार का मतलब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जो पोजिशन वाइज एलिमेंट वाइज होना है मल्टीप्लाई और एट द रेट का मतलब क्या जब रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा हर एक रो हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और आंसर बाद में एड होकर जो मिलेगा आपको वो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो दोनों चीज अच्छे से समझ में आ गई ना Fine. So, कौन से operator देख plus, minus, into, देख लिया लिया, अभी हमने और अब देखते हैं हम मतलब पावर कैलकुलेट करना तो आप नंपा एरे की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो कैसे पावर कैलकुलेट करना उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल

का स्क्वायर कैलकुलेट करके देगा मतलब 25 तो इसी तरीके से एरे के एलिमेंट के भी आप स्क्वायर कैलकुलेट या रूट कैलकुलेट करवा सकते हो एक्सपोनेंशियल एक्चुअली पावर कैलकुलेट करवा सकते हो तो हमारी एरे फर्स्ट क्या थी फर्स्ट एरे हमारी थी कुछ थ्री सिक्स फोर टू है ना क्या एरे थी हमारी थ्री सिक्स फोर टू अब इस पे आप क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहे हो इसका थ्राइस मतलब इसकी पावर थ्री कैलकुलेट करवाना चाह रहे हो हर एक एलिमेंट की पावर तो यहाँ पे क्या होगा देखो जब आप इस एरे पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट की पावर थ्री कैलकुलेट हो जाएगी मतलब क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा तो आंसर क्या रिटर्न होगा आपको थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन सिक्स का क्यूब टू वन सिक्स फोर का क्यूब सिक्सटी फोर समथिंग कुछ है ना और टू का क्यूब कितना आ जाएगा एट तो बस ये आंसर आपको मिल जाएगा देखो मिल रहा है फाइन तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं पावर भी कैलकुलेट करवा सकते हैं एरे के एलिमेंट की तो यहाँ पे हमने एरे वन पे हर एक एलिमेंट का क्यूब कैलकुलेट करवाया तो आपको आंसर मिल गया कुछ इस तरीके से और जो आंसर मिला उसमें सारी वैल्यूज कैसी थी इंटीजर टाइप की थी तो आगे आपको आउटपुट में डी टाइप भी रिटर्न हुआ दैट इज इंट थर्टी टू मतलब मेमोरी में हर एक एलिमेंट थर्टी टू बिट ले रहा है फाइन नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन अब डिवीजन भी क्लियर है डिवीजन पता है ना डिवीजन क्या होता है ओके okay, दो नंबर को डिवाइड करते हो कुछ क्वेश्चन मिलता है कुछ रिमाइंडर मिलता है फाइन यदि नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो जीरो मिलता है हमें रिमाइंडर में सो so, उसी तरीके से यहाँ पे एरे टू को हम एरे वन से डिवाइड करेंगे तो so, जब आप डिवाइड करोगे तो एक एक एलिमेंट नॉर्मल डिवाइड होगा जैसे कि प्लस माइनस इंटू हुआ अभी तक ठीक है सो यहाँ पे डिवाइड होने के बाद देखो प्रॉपर डेसिमल के साथ आपको आंसर मिल रहा है प्रॉपर डेसिमल के साथ डिवीजन के बाद जो भी आपको आंसर मिल रहा है प्रॉपर डिवीजन के साथ में आंसर मिल रहा है ओके डिवीजन के बाद देखते हैं हैं नेक्स्ट का मतलब मतलब क्या हुआ यहां पर कि कि हम परसेंटेज परसेंटेज ऑपरेटर की बात कर रहे डिवाइड मतलब करने के बाद में आपको ये ऑपरेटर जो है ना मोड्यूल ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा रिमाइंडर रिटर्न करेगा क्या रिटर्न करेगा ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा डिवीजन के बाद ओके और डिवीजन वाला फंक्शन ये डिवीजन होता है 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 ना आपको आपको करता 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 ये 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 क्या ध्यान रखना दोनों operator में difference है. जो ये backslash होता है, ये division का ऑपरेटर होता है जो आपको रिटर्न करता है क्वेश्चन और परसेंटेज जो होता है मॉड्यूल कहते हैं जो आपको रिटर्न करता है डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर तो हमने क्वेश्चन तो देख लिया कैसे रिटर्न हो रहा था सपोज हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं किसे थ्री से टेन को डिवाइड करते हैं ठीक है जब आप थ्री से टेन को डिवाइड करोगे तो थ्री थ्री माइनस वन वन क्या बच रहा है आपके पास रिमाइंडर बच रहा है है ना तो बस ये जो ऑपरेटर है ना परसेंटेज वाला ऑपरेटर वो रिटर्न ही आपको मॉड्यूल करेगा तो हर एक एलिमेंट वाइज डिवीजन होगा डिवीजन होने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा तो वही आपको एरे में शो होगा ठीक है सो यहाँ पे देखो ध्यान से हमारी एरे जो थी दोनों एरे उसमें जब डिवीजन हुआ तो उसके बाद आपको रिमाइंडर ये मिल रहा है रे टू को जब आपने एरे वन के साथ में डिवाइड किया ओके okay, तो डिवाइड होने के बाद में मोड्यूल ऑपरेटर ने परसेंटेज ने क्या रिटर्न किया आपको रिमाइंडर रिटर्न किया वन टू थ्री जीरो फाइन और ये भी वैल्यूज कैसी है इंटीजर टाइप की है तो थर्टी टू डेटा टाइप शो हो रहा है So, अब क्या ध्यान रखना है हमें इट इज इंपोर्टेंट टू नोट दैट फॉर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन साइज ऑफ बोथ अरेज मस्ट बी सेम ये चीज हमें बहुत ध्यान रखना है तभी ये ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएंगे कि दोनों अरे का साइज सेम होना चाहिए मतलब कि एरे वन डॉट शेप एंड एरे टू डॉट शेप इक्वल होना चाहिए ठीक है जैसे अभी हमारी जो दोनों अरे है उनका शेप क्या है यही है ना टू क्रॉस टू और दोनों इक्वल है यदि ये अलग अलग होता है मतलब कुछ इस तरह की एरे होती है ठीक है तो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो शेप दोनों का साइज एरे का सेम होना चाहिए तभी आप ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाओगे ओके सो so यहां पे फिनिश हुए अरिथमेटिक ऑपरेशन अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप का ऑपरेशन दैट इज ट्रांसपोज ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो एरे है और कॉलम में डिवाइड होती है है ना तो रोज जितनी भी होती है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और कॉलम्स जो होते हैं वो रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं इसी को कहते हैं ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंज होना रो का कॉलम में और कॉलम का रो में जो जो भी रोज है एरे की वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और जो कॉलम्स हैं वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे इसी को हम कहते हैं प्रोसेस को क्या ट्रांसपोज कैसे एग्जांपल देखो सपोज मैंने क्या लिखा यहाँ पर एक एरे लिखी इस तरीके से वही हमारी जो थ्री टू फोर सिक्स ये एरे है अब यहाँ पे देखो थ्री टू फोर सिक्स ये आपकी रो वन है ठीक है ये क्या है रो वन ये रो टू है ये कॉलम वन ये कॉलम टू है जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद में आपको आउटपुट क्या मिलता है ट्रांसपोज करने के बाद में आपको आउटपुट मिलेगा थ्री टू फोर सिक्स मतलब यहां ध्यान से देखो ये जो रो थी थ्री टू वाली एक रो थी पहली रो वो बन गया यहाँ पर कॉलम क्या बन गया अब पर कॉलम बन गया ठीक है तो ये देखो ये हो गई आपकी रो वन ये रो टू ये कॉलम वन और ये कॉलम टू इसी तरीके से फोर सिक्स दूसरी रो थी जो कॉलम में कन्वर्ट हो गए फोर सिक्स ओके सो समझ में आया इसी को क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज भी यहाँ पे होता है ठीक है नंपा एरे में ट्रांसपोज भी आप कर सकते हो जिसके लिए आप एक फंक्शन का यूज करोगे जो कि क्या करेगा नंपा एरे के एलिमेंट को कन्वर्ट कर देगा रो से कॉलम में ओके सो so, ट्रांसपोजिंग एन अरे कॉलम एंड द कॉलम इन टू दी रोज ट्रांसपोजिंग क्या करता है एरे को टर्न कर देता है रो से कॉलम में कॉलम से रोज में जस्ट लाइक मैट्रिक्स इन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में जब आप मैट्रिक्स पढ़ोगे तो वहां भी आपको ट्रांसपोज नाम का ऑपरेशन मिलेगा ठीक है वहां आपको खुद से करना पड़ेगा कैलकुलेट बट यहां पे देखो आपको एरे फैसिलिटी दे रहा है कि बस आप क्रिएट करो करो और ट्रांसपोज ऑपरेशन का यूज ऑटोमेटिकली आपकी एरे कन्वर्ट हो जाएगी आप प्लस ऑपरेटर का यूज करो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलेगा प्लस करके मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का आंसर मिलेगा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फाइन ये चीज समझ में आई अच्छे से

क्रिएट किया है यहाँ पर जिसमें देखो वन टू थ्री फोर चार क्या है कॉलम्स हैं और एक दो तीन तीन रो हैं फाइन थ्री रो फोर कॉलम की की हमने एक एरे पे क्रिएट हुई है एरे थ्री नाम से नंपा एरे का यूज करके जिसमें हमने नेस्टेड लिस्ट में एलिमेंट प्रोवाइड किए है तो ये हो गई आपकी नेस्टेड लिस्ट जिसमें हमने एलिमेंट प्रोवाइड किए अरे फंक्शन की, की मदद से एरे थ्री नाम से एक एरे क्रिएट हुई और ये हो गया आपका आउटपुट ध्यान से देखो यहाँ पे इस आउटपुट में आपको क्या दिख रहा है तीन रो दिख रही है रो वन रो टू रो थ्री फाइन और C1, C2, C3, C4 चार कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ये चार कॉलम्स हो गए एलिम, ओके एलिमेंट्स के फाइन अब क्या करवाना है हमें ट्रांसपोज करवाना है तो इस एरे के एलिमेंट को यदि आपको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कौलं करवाना है तो हमने यूज कर लिया अरे का नाम डॉट लगा के हमने ट्रांसपोज फंक्शन का यूज कर लिया एरे का नाम लिखा है जिस एरे को कन्वर्ट करना है डॉट लगाया और ट्रांसपोज को यूज किया जैसे एट्रीब्यूट को यूज किया था ना डॉट लगा के बिल्कुल उसी तरीके से हम मैथड को भी यूज करते हैं डॉट लगा के ठीक है so, सो ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज जब आपने किया तो आपको सारे एलिमेंट कन्वर्ट होकर मिल गए पहली रो क्या थी टेन माइनस सेवन जीरो ट्वेंटी अब देखो यहाँ पे क्या बन गई कॉलम टेन माइनस सेवन जीरो ट्वेंटी ये कॉलम बन गया दूसरी रो क्या थी माइनस फाइव वन टू हंड्रेड फोर्टी तो ये माइनस फाइव वन टू हंड्रेड फोर्टी ये दूसरा कॉलम हो गया थर्टी वन माइनस वन फोर थर्टी वन माइनस वन फोर यह तीसरा कॉलम हो गया मतलब इस यहाँ पर एरे का हमारा जो साइज साइज था था वो क्या कॉमा फोर ये शेप था है ना थामा फोर तीन रो थी और फोर कॉलम थे लेकिन जब आपने ट्रांसपोज फंक्शन अप्लाई किया इस पे तो ट्रांसपोज फंक्शन अप्लाई किया तो फोर रो हो गई और तीन कॉलम हो गए ठीक है ना रो कॉलम इंटरचेंज हो गए अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि भले ही आप ट्रांसपोर्ट फंक्शन अप्लाई कर रहे हो लेकिन जब भी आप एरे थ्री को एक्सेस करोगे ना तो ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंज नहीं होगा ये नोट कर लेना कि ट्रांसपोर्ट फंक्शन भले ही आप अप्लाई कर रहे हो रो कॉलम इंटरचेंज हो रही है लेकिन जो ओरिजिनल एरे है एरे थ्री उसमें चेंज नहीं होगा उसका शेप साइज वही रहेगा लेकिन ट्रांसपोर्ट फंक्शन की वजह से आपको वो चेंज होकर दिखेगा समझ में आया कि ओरिजिनल एरे डज नॉट चेंज ओरिजिनल एरे वैसे ही रहेगी ओके, okay? सो so, इसके बाद जब आप array 3 को यही मिलेगी एरे ओके okay? लेकिन ट्रांसपोज तो so, फंक्शन आई ट्रांसपोज ऑपरेशन का क्या काम होता है ट्रांसपोज ऑपरेशन का मतलब होता है एरे को रो एरे कॉलम को और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना कन्वर्ट करना ठीक है बट ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं ये में पूछ सकते हैं ओके okay? अब क्या होता है? Sorting का मतलब होता है? है का मतलब कि आप एरे के एलिमेंट को जो अनसॉर्टेड वे में है अन है उन्हें अरेंज करना चाहते हो अरेंज करना चाहते हो मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज करना चाहते हो एक सीक्वेंस में रखना चाहते हो ठीक है जैसे असेंडिंग ऑर्डर में आप हर चीज को अरेंज करते हो ना बिल्कुल उसी तरीके से ओके, सो सॉर्टिंग अरेंज द एलिमेंट ऑफ एन अरे इन हेरारिकल ऑर्डर आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग का यूज करके आप एलिमेंट्स को एक हेरारिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक है दोनों ऑर्डर में किसी भी ऑर्डर में आप सॉर्टिंग कर सकते हो एलिमेंट्स की सो बाय डिफॉल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर अब जैसे कि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि डिफॉल्ट जो शॉर्टिंग uh, होती है वो कैसी होती है असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है तो यहाँ पर भी नंपा लाइब्रेरी जो है वो डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग करेगी एलिमेंट की वो कैसी होगी असेंडिंग ऑर्डर में अब सॉर्टिंग देख लेते हैं हम

हो जाएगी ठीक है लेकिन फिर एरे को आपको प्रिंट करना पड़ेगा ठीक है तो सॉर्ट के बाद जो आंसर आएगा वो एरे फोर में आया है अब देखो आउटपुट क्या शो रहा है जब आपने एरे फोर को प्रिंट करवाया तो माइनस थ्री जीरो वन टू फोर सिक्स सेवन एट एक असेंडिंग ऑर्डर में आपकी एरे सॉर्ट हो चुकी है ओके सो so, सॉर्ट फंक्शन कैसे यूज करना है समझ में आ गया सॉर्ट फंक्शन को यूज कैसे किया हमने एरे का नाम लिखा डॉट लगा के शॉर्ट फंक्शन लिखा तो जो भी एरे थी वो शॉर्ट हो गई फिर हमने उस अरे को प्रिंट करवाया तो शॉर्टेड ऑर्डर में डिफॉल्ट सॉर्टेड ऑर्डर में आपको क्या हो रहा है शो हो रही है ठीक है तो ये तो बात हुई वन डी अरे की लेकिन हम बात करें आप टू डी अरे तो टू डी अरे में कैसे सॉर्टिंग करेंगे तो टू डी अरे को सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर टू डी अरे में दो तरीके से सॉर्टिंग होगी कैसे होगी क्योंकि टू डी अरे में दो चीजें होती है रो होती है कॉलम होती है तो रो वाइज सॉर्टिंग भी कर सकते हो आप कॉलम वाइज सॉर्टिंग भी कर सकते हो

ओके okay, ये एलिमेंट हमने लिख दिया अब जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो एक टू डी है इसको सॉर्ट करोगे तो ये सॉर्टिंग कैसे होगी डिफॉल्ट रो वाइज होगी मतलब पहले ये वाली फिर ये वाली वाली रो 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 सॉर्ट 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 होगी 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 फिर तो हो मतलब पहले वन आएगा फिर थ्री आएगा फिर फोर आएगा फिर टेन आएगा तो देखो ये अरेंज हो गए ना रो वाइज एलिमेंट फिर इसी तरीके से जीरो टू थ्री और नाइन फिर ये दूसरी रो सॉर्ट हुई तो रो वाइज सॉर्टिंग होती है डिफॉल्ट ठीक है जिसके लिए वैल्यू क्या होती है एक्स इक्वल्स टू वन ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी सॉर्टिंग हो जाएगी ठीक है क्योंकि एक, वन मतलब कि हम रो की बात कर रहे हैं लेकिन यदि आपको ऐसे कॉलम वाइज सॉर्ट करवाना है कैसे ऐसे कॉलम वाइज सॉर्ट करवाना है आप चाहते हो कॉलम वाइज सॉर्टिंग हो तो आपको क्या करना है यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जीरो सेट करना पड़ेगा क्योंकि आप कॉलम वाइज सॉर्टिंग चाहते तो हो तो कॉलम वाइज सॉर्टिंग होगी टू ऊपर आ जाएगा थ्री नीचे आ जाएगा है ना थ्री ऊपर फोर नीचे तीसरा कॉलम सेट होगा नाइन देन टेन देन वन तो ये होगी कॉलम वाइज सॉर्ट ये हो गई रो वाइज सॉर्ट समझ में आया अच्छे से ये करेगा आपको सिर्फ यहां पर भी function का नाम लिखना है क्योंकि कौन सा फंक्शन करेगा sort? Sort function ही sorting करेगा, ठीक है लेकिन row -wise sorting default होती है, okay? जब आप equals to zero लिख दोगे, तब होगी, ये चीज समझ में आई सो इट मीन टू एलिमेंट इन इन असेंडिंग ऑर्डर टू जीरो ड इन असेंडिंग ऑर्डर ओके चलो एग्जाम्पल देखते हैं अरे फोर जो सेम एरे हमने अभी क्रिएट की थी क्या थी अरे हमारी यही थी ना अरे ध्यान से देख लो सेम एरे फोर फाइन अब इसको हमें सॉर्ट करना है तो हमने क्या कर दिया

बिल्कुल इसी तरीके से फिर नेक्स्ट रो सॉर्टेड ऑर्डर में शो हो रही है नेक्स्ट रो आपको सॉर्टेड ऑर्डर में शो हो रही है तो रो वाइज सॉर्टिंग हुई है कब जब आपने लिखा एरे डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज किया तो सॉर्ट फंक्शन में जब आपने कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा है है ना मतलब सॉर्ट फंक्शन को नॉर्मली यूज किया है इट मीन की जो भी सॉर्टिंग हो रही है वो रो वाइज एलिमेंट की सॉर्टिंग हो रही है अब यदि आपको कॉलम वाइज सॉर्ट करना है तो क्या करना है सो so, एरे वही सेम एरे जो अभी हमने देखी ठीक है किस तरीके से हमने क्रिएट किया था कुछ इस तरीके से क्रिएट किया है फाइन ये आपकी एरे है एरे फोर नाम की जिसको हमने अभी रो वाइज सॉर्टिंग देखी अब यदि इसको कॉलम वाइज सॉर्ट करना है तो यहाँ पे हम सॉर्ट फंक्शन का ही यूज करेंगे लेकिन सॉर्ट फंक्शन के ब्रैकेट में पैरेंथेसिज में हम एक पैरामीटर पास करेंगे दैट इज एक्स इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू वन मतलब रो वाइज डिफॉल्ट सॉर्टिंग हुई जब आपको कॉलम वाइज सॉर्ट करना है तो आपको ब्रैकेट में चाहते तो अब यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर एरे में 10 माइनस फाइव थर्टी है ना ये आपकी एरे है अब यहां पे 10 माइनस फाइव थर्टी ये पहला कॉलम हो गया इस कॉलम को पहले सॉर्ट होगा तो जब ये पहला कॉलम सॉर्ट होगा तो -5 10 30 आएगा ये आया आपका पहला कॉलम सॉर्ट होके देम देखो माइनस माइनस सेवन 1, 1. तो तो uh, ही है, Then 0, 200, -1, तो -1, 0, ये हो 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 गया। इस तरीके से सारे जो हैं हैं? ना, वो क्या गए आपको शो हो रहे है. कब? जब आपने sort function का use किया और ब्रैकेट में आपने स्पेसिफाई करा सॉर्ट फंक्शन के कि एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब आप कॉलम वाइज सॉर्टिंग चाहते हो तो समझ में आया ना कि कैसे हम रो वाइज और कॉलम वाइज सॉर्टिंग करवा सकते हैं क्या स्पेसिफाई करना है सो चलिए अब यदि अच्छे से समझ में आया है तो इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन पी सी एंड लेट्स द प्रैक्टिकल टू ओपन द स्पाइडर आई डी सॉफ्टवेयर सो ओके सो हियर वी इम्पोर्ट फर्स्ट नम पाई लाइब्रेरी ओके सो इम्पोर्ट नम पाए एस एन पी ओके अब हमें दो एरेज को क्रिएट करना है अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ठीक है तो अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम वन डी एरे पे अरिथमेटिक ऑपरेशन देख लेते हैं जिसके लिए हम दो एरे क्रिएट करते हैं ए इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे फंक्शन का यूज करते हैं और यहां पे दो एरे को क्रिएट कर लेते हैं ओके बाय यूजिंग लिस्ट सपोज मैंने यहां क्रिएट करी दो एरे फर्स्ट इज ए एरे एंड देन बी इज सेकेंड एरे एरे फंक्शन का यूज करके ठीक है यहाँ पे हमने लिस्ट का यूज किया है एरे को क्रिएट करने के लिए फाइन सो ये दो एरे हमने यहाँ क्रिएट कर ली ए एंड बी नाम से प्रिंट करवा लेते हैं एरे को प्रिंट ए देन प्रिंट बी एरे नाउ अब हम चाहते हैं इनके बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना तो सबसे पहले हम प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं सो so, प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं ए प्लस बी ओके नाउ प्रेस एफ फाइव और क्लिक ऑन दिस एरो बटन सो so, आप देखो यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या शो हो रहा है आउटपुट में यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये आपकी एरे वन है ये एरे टू है वन डायमेंशनल एरे है वन टू थ्री एलिमेंट है थ्री टू सिक्स एलिमेंट है तो ये जो दोनों एलिमेंट है ये प्लस हो चुके हैं एलिमेंट वाइज एडिशन हुआ है, है ना वन प्लस थ्री दैट इज फोर टू प्लस टू दैट इज फोर अगेन थ्री प्लस सिक्स दैट इज नाइन तो ये आपका ए प्लस बी का आंसर शो हो रहा है इसी तरीके से आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो तो आपको निगेटिव आंसर शो होगा ओके okay?

अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो क्योंकि वन डी एरे में तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाना बहुत ईजी होता है सो टू डी एरे के लिए हम इसी एरे में चेंजेस कर लेते हैं और नेक्स्ट लिस्ट के फॉर्म में हम टू डी एरे को क्रिएट करते हैं ठीक है थ्री कॉमा सिक्स देन फोर कॉमा टू ये ए एरे हो गई आपकी टू डी एर नाउ नेक्स्ट एरे अब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर सो so, दोनों एरे हमने यहाँ क्रिएट कर लिए और प्रिंट करवा लेते हैं अब दोनों एरेज को टू डायमेंशनल एरेज को सो एज यू सी आपको यहाँ पे दोनों एरे शो हो रही है फर्स्ट एरे है टू डायमेंशनल टू और सेकेंड जो एरे है वो है टेन ट्वेंटी रखना है कि जब आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो दोनों एरे का साइज सेम होना चाहिए शेप सेम होना चाहिए तो टू क्रॉस टू की हमने दो एरे यहाँ पे क्रिएट कर ओके सो okay? so, अब यहाँ पर हम इन दोनों एरे में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं इन दोनों एरेज में एडिशन ऑपरेशन ठीक है सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो दोनों एरे का साइज सेम होना चाहिए मतलब कि दोनों एरे इक्वल इन साइज होना चाहिए ओके जैसे टू क्रॉस टू की दोनों एरे है हमारी तो टू क्रॉस टू के एरे में एलिमेंट वाइज आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो सो so, यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले प्रिंट एडिशन ऑपरेशन आपको परफॉर्म करवाना है सो वी राइट जस्ट एडिशन नाव नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में अब हम लिखते हैं दोनों एरे को प्लस करवाने तो प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम ए प्लस बी जो क्या करेगा दो टू डायमेंशनल एरे को ऐड कर देगा ठीक है नाउ रन दिस फाइल देखो जैसे फाइल रन की तो आपको आउटपुट क्या शो हो रहा है एडिशन होके आया है आपके सामने आउटपुट थर्टीन ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फोर्टीन मतलब हर एक एलिमेंट इंडिविजुअल एलिमेंट पोजिशन वाइज एड हो चुके हैं थ्री प्लस टेन दैट इज थर्टीन सिक्स एंड ट्वेंटी दैट इज ट्वेंटी सिक्स फोर एंड फिफ्टीन दैट इज़ नाइनटीन टू एंड ट्वेल्व दैट इज़ फोर्टीन तो ये पूरा आंसर आपको यहाँ पे शो हो रहा है एडिशन के साथ ओके सिंपल इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं ओके सो सब्ट्रैक्शन करना है तो उसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं ताकि आपको सारे ऑपरेशन अलग अलग क्लियर हो सकेंगे यहाँ हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ओके और प्लस की जगह पे हम यहाँ यूज़ करेंगे माइनस ऑपरेटर का फाइन नाउ रन करते हैं फाइल को सो so, देखो फाइल को जब आपने रन किया तो आपको सब्ट्रैक्शन भी शो हो रहा है मतलब फर्स्ट एरे के एलिमेंट जो है वो माइनस हुए हैं सेकेंड नंबर के एरे में से थ्री माइनस टेन दैट इज माइनस सेवन सिक्स माइनस ट्वेंटी दैट इज माइनस फोर्टीन इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन हुआ है ओके okay, सिंपल इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है सो अगेन कॉपी पेस्ट दिस और यहाँ हम करते हैं अब मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन दो तरीके का होता है जैसे मैंने बताया तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन को जिसमें आप स्टार ऑपरेटर का यूज़ करोगे स्टार ऑपरेटर मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होता है ओके सो रन करते हैं फाइल को सो so, देखो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या शो हो रहा है दोनों एरे के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो चुके हैं जैसे प्लस और माइनस हुए थे थ्री इंटू टेन दैट इज़ थर्टी ठीक है ना सिक्स इंटू ट्वेंटी कितना हुआ वन ट्वेंटी फोर इंटू फिफ्टीन कितना हुआ सिक्सटी टू इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर तो ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन आपको शो हो रहा है आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ करवा सकते हो सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करवाना है तो वो भी हम करवा सकते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए हम यहाँ पे स्टार की प्लेस पे क्या यूज़ करते हैं एट द रेट का साइन तो एट द रेट का साइन इट मीन्स कि यहाँ पे एट द रेट जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का होता है मतलब हर एक रो पहली मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है और एडो के आंसर हमें शो होता है नाउ अन दिस प्रोग्राम आपको दोनों मल्टीप्लीकेशन शो होंगे ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जिसमें ए, हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ पेयरवाइज और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का आंसर देखो डिफरेंट शो रहा है वन ट्वेंटी वन थर्टी टू सेवेंटी वन जीरो फोर जो मैंने अभी थ्योरटिकली आपको एक्सप्लेन किया था कि, कि किस तरीके से रो कॉलम का यूज करके मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है जिसके लिए हम यूज करते हैं एट द रेट का साइन ओके सो यहाँ पे मैंने आपको एडिशन सब्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन दोनों बताएं अब डिस्कस करते हैं हम सो मैं आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो है ना क्या कैलकुलेट कर सकते हो पावर कैलकुलेट कर सकते हो सपोज ए मैट्रिक्स का हमें क्यूब करवाना है एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम डबल स्टार का यूज करते हैं सिंगल स्टार नॉर्मल मल्टीप्लाई के लिए होता है और डबल स्टार पावर कैलकुलेट करने के लिए होता है एक्सपोनेंशिएशन कैलकुलेट करने के लिए होता है है ना तो so, यहाँ पे आपको क्यूब कैलकुलेट करवाना है तो हमने ए डबल स्टार थ्री लिखा मतलब ए जो भी मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट का क्यूब कैलकुलेट होकर आपको शो होगा नाउ रन दिस फाइल लेट सी दी आंसर एक्सपोनशिएशन में आपको क्या शो हो रहा है थ्री सिक्स फोर ये जो एरे है अपनी उसमें थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन सिक्स का क्यूब टू वन सिक्स फोर का क्यूब सिक्सटी फोर एंड टू का क्यूब एट आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये पूरा क्यूब आपको यहाँ पे शो हो रहा है बाय यूजिंग स्टेटमेंट क्योंकि हमने पे डबल स्टार का यूज़ किया ओके okay? समझ में आया अच्छे से डबल स्टार डबल स्टार मतलब पावर कैलकुलेट होना आप क्यूब भी करवा सकते हो स्क्वायर भी कैलकुलेट करवा सकते हो अगर आप यहाँ पे टू लिखोगे यहाँ पे टू लिखोगे तो स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा ओके नाउ डिवीजन अब डिवीजन कैसे करवाना है जैसे प्लस माइनस इंटू करवाया उसी तरीके से डिवीजन होना है सो so, यहाँ पे हम लिखते हैं डिवीजन और ए डिवाइड बाई बी लिखते हैं ए डिवाइड बाई बी ना रन दिस फाइल सो देखो आउटपुट क्या शो हो रहा है आपको डिवीजन का प्रॉपर आपको डेसिमल के साथ में आंसर शो हो रहा है डिवीजन का डेसिमल के साथ में मतलब 0.3 0.3 0.26667 जीरो पॉइंट थ्री जीरोमल के बाद की वैल्यूज भी आपको प्रॉपर पूरी शो हो रही है कब जब आपने लिखा वेन ए डिवाइड बाई बी डिवीजन ऑपरेशन आपने यहाँ पर यूज किया तब इसी तरीके से डिविजन में हमें क्या रिटर्न होता है क्वेश्चन रिटर्न हो रहा है कब जब थ्री डिवाइड हो रहा है टें से और सिक्स डिवाइड हो रहा है ट्वेंटी से फोर डिवाइड हो रहा है फिफ्टीन से टू डिवाइड हो रहा है ट्वेल्व से तो जो क्वेश्चन रिटर्न होगा वो क्वेश्चन हमें डिवीजन में मिलता है इसी तरीके से यदि रिमाइंडर रिटर्न करवाना है तो उसके लिए हम जिस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है मॉड्यूलस कौन सा होता है वो फंक्शन मॉड्यूलस ओके तो यहाँ पर अब हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलस को सो so, कॉपी कर लेते हैं पेस्ट कर लेते हैं और मॉड्यूलस का साइन कौन सा होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर का परसेंटेज परसेंटेज का मतलब है नम्पाई में कि आप रिमाइंडर रिटर्न करवाना चाहते हो दो एरे को डिवाइड करने के बाद सो लेट्स रन दिस फाइल सो आप देखो यहाँ पे ये रिटर्न हो रहा है आपको क्या है यहाँ पर मॉड्यूलस ठीक है न यहाँ पर हमने सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन देख लिए अच्छे से अब देखते हैं हम ट्रांसपोज कि आप किस तरीके से ट्रांसपोज कर सकते हो एक टू डायमेंशनल एरे को मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते so, उसके लिए हम एक array कर लेते हैं उसके जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से होंगे नेस्टेड लिस्ट में हम एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे टेन माइनस सेवन जीरो पहली लिस्ट हुई हमारी कॉमा लगा के हम दूसरी लिस्ट स्पेसिफाई करते हैं सो ये नेस्टेड लिस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट की है ठीक है अब इस सी अरे को हमें ट्रांसपोज करवाना है तो पहले हम इस एरे को प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट सी तो देखो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या शो हो रहा है ये हमने एक सी नाम की एरे क्रिएट की नंपाई लाइब्रेरी का यूज़ करके जिसमें थ्री रोज हैं और फोर कॉलम्स हैं थ्री रोज एंड फोर कॉलम्स वन टू थ्री ये तीन रो हैं और फोर कॉलम्स हैं अब इसे हमें ट्रांसपोज करवाना है ट्रांसपोज करवाना है मतलब ये जो तीन रो हैं ये कन्वर्ट हो जाएगी तीन कॉलम्स में और ये जो चार कॉलम्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे चार रोज़ में सो so, इसके लिए हम जिस फंक्शन का यूज़ करते हैं वो कौन सा फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोज फंक्शन है ना सो so, उसे कैसे यूज़ करते हैं सी डॉट ट्रांसपोज करके आप उसे यूज़ कर सकते हो ट्रांसपोज फंक्शन को है ना आपको एरे का नाम लिखना है डॉट लगा के ट्रांसपोज कर देना है फाइन नाउ प्रिंट करवा लेते हैं हम रन करते हैं प्रोग्राम सो so, ध्यान से देखो अब आप दोनों एरे आपको दिख रही है जो एरे थी हमारी एक्चुअल वो भी ये एरे थी हमारी तीन रो फोर कॉलम की जो अब कन्वर्ट हो गई ट्रांसपोज हो गई किस में जो ट्रांसपोज हो गई ये फोर रो और थ्री कॉलम्स में सो so, ट्रांसपोज समझ में आया अच्छे से ठीक है बट इसमें ओरिजिनल जो एरे है उसमें चेंजेस नहीं होते हैं मतलब यहां पर मैं वापस से लिखती हूँ ना प्रिंट सी सो आपको यहाँ पे सेम एरे शो होगी ठीक है जो आपको ऊपर शो हो रही थी मतलब ट्रांसपोज करने के बाद में ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल एरे में चेंजेस हो जाएंगे नाउ प्रेस एफ और रन दिस फाइल सो so, ध्यान से देखो आप ये प्रिंट सी फर्स्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट देन उसके बाद प्रिंट सी डॉट ट्रांसपोज तो ये ट्रांसपोज हो गई मैट्रिक्स आपकी रो थ्री कॉलम में ठीक है देन उसके बाद जब आपने वापस ये प्रिंट से प्रिंट सी स्टेटमेंट लगाया तो आपकी सेम मैट्रिक्स जो पहले थी एज इट इज वही वापस आपको यहाँ पे शो हो रही है सो so, समझ में आया अच्छे से कि ट्रांसपोज करने के बाद में ओरिजिनल मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं सो so, ट्रांसपोज फंक्शन ने क्या किया रो को कॉलम में कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया ओके वन डी अरे में समझते हैं तो उसके लिए हम डी नाम की एक एरे क्रिएट कर लेते हैं डीवल्स टू एन पी डॉट एरे और यहाँ पे हम एक वन डायमेंशनल अरे स्पेसीफाई करते हैं फोर कॉमा जीरो कॉमा फाइव कॉमा नाइन कॉमा वन ओके ये अरे हमने यहाँ पे क्रिएट की एक one dimensional array है एक वन डायमेंशनल अरे जो अनसॉर्टेड ऑर्डर में कैसे भी इसमें एलिमेंट अरेन्ज है अब आपको सॉर्ट करवाना है राइट right? तो सॉर्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे सॉर्ट फंक्शन डी डॉट शॉर्ट जब आप डी डॉट शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा आपकी जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगी नाउ प्रिंट करवा लेते हैं एरे को ताकि आपको समझ में आए कि सॉर्टेड एरे किस तरीके से शो होती है रन कर लेते हैं सो so, देखो आपको एरे शो हो रही है यहाँ पर जीरो वन फोर फाइव सिक्स एट नाइन हमारी एरे क्या थी यहाँ पर सिक्स एट फोर ज़ीरो फाइव नाइन वन जिसमें सारे एलिमेंट्स अब सॉर्ट फंक्शन की मदद से सॉर्ट हो चुके हैं सारे एलिमेंट आपको असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहे हैं तो ये तो वन डायमेंशनल सॉर्टिंग की बात हुई लेकिन यदि आपको टू डायमेंशनल एरे को सॉर्ट करना है तो टू डायमेंशनल एरे हमने यहाँ पर क्रिएट की हुई है एक सी नाम से जो आपको शो हो रही है इसे यदि हमें इसके एलिमेंट को यदि हमें सॉर्ट करना है जिसपे हमने अभी ट्रांसपोज भी देखा तो कैसे आप टू डायमेंशनल एरे में सॉर्टिंग करते हो तो बताया था मैंने कि डिफॉल्ट सॉर्टिंग जो होती है वो रो वाइज होती है मतलब जो भी एलिमेंट है वो रो वाइज सॉर्ट होते हैं ओके सो तो देख लेते हैं हम एरे को एक बार फिर से सी नेम की अरे जिसमें आपको क्या शो हो रहा है थ्री कॉलम्स और फोर रोज शो हो रही है एक टू डायमेंशनल अरे है अब यहां पे रो वाइज सॉर्टिंग होगी मतलब टेन माइनस सेवन जीरो ट्वेंटी ये जो पहली रो है पहले ये सॉर्ट होगी मतलब क्या शो होगा आपको माइनस सेवन जीरो टेन एंड ट्वेंटी इस तरीके से सॉर्टेड ऑर्डर में आपको एलिमेंट शो होंगे कब जब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन का ठीक है टू डी अरे में सो so, सपोज हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं सी डॉट सॉर्ट इसका यूज किया हमने सी डॉट सॉर्ट फंक्शन का और डिफॉल्ट कैसी सॉर्टिंग होनी है रो वाइज रो वाइज मतलब एक्सेस इक्वल्स टू वन के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होगी और एक्सेस इक्वल्स टू वन आपको यहाँ मैंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट सॉर्टिंग होती है ना प्रिंट करवाते हैं सी को रन कर लेते हैं प्रोग्राम दोनों एरेज आपको यहाँ पे शो हो रही है पहली जो कि हमारी सी में एरे है टेन माइनस सेवन जीरो ट्वेंटी अब यहाँ पे फर्स्ट रो को आप देखो और जो सॉर्टेड एरे है उसे देखो माइनस सेवन जीरो टेन ट्वेंटी माइनस फाइव वन टू हंड्रेड फोर्टी सेकेंड रो है तो सॉर्ट होके आपको रो क्या शो हो रही है माइनस फाइव वन फोर्टी टू हंड्रेड इसी तरीके से थर्ड रो जो अनसॉर्टेड वे में थी वो भी यहाँ पे सॉर्ट हो चुकी है सो so, यहाँ पे हम एक्सेस इक्वल्स टू वन लिखेंगे ना तो भी आपको यही सेम आंसर ही रिटर्न होना है जो आपको यहाँ रिटर्न हुआ क्योंकि डिफॉल्ट रो वाइज सॉर्टिंग होती है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज एक्स इज इक्वल्स टू वन तो देखो आपको सेम आंसर अगेन रिटर्न होगा ओके okay? सो so, ये आपकी अनसॉर्टेड एरे और ये हो गई आपकी सॉर्टेड एरे देखो दोनों के आंसर आपको सेम दिख रहे हैं सो so, मतलब कि x इज इक्वल्स टू वन लिखो या नहीं लिखो डिफॉल्ट सॉर्टिंग रो वाइज होती है और रो वाइज सॉर्टिंग का आंसर आपको यहाँ पे सेम शो हो रहा है अब यदि आप कॉलम वाइज सॉर्टिंग करवाना चाहते हो तो यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा कंपल्सरीली एक्सेस इक्वल्स टू जीरो जैसे एक्सेस इक्वल्स टू जीरो लिखोगे तो जो सॉर्टिंग होगी अब वो कॉलम वाइज होगी ओके नाव रन कर लेते हैं प्रोग्राम देखो अब यहाँ पे जो सॉर्टिंग हो रही है वो कॉलम वाइज हो रही है मतलब टेन माइनस फाइव और थर्टी ये वाला कॉलम पहले सॉर्ट हुआ तो सॉर्ट होकर आंसर क्या आया देखो माइनस फाइव पहले हो गया फिर टेन आया फिर थर्टी रहा है इसी तरीके से माइनस सेवन वन वन ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में ही है जीरो टू हंड्रेड माइनस वन तो माइनस वन पहले आया फिर जीरो फिर टू हंड्रेड तो ये कॉलम वाइज सॉर्टिंग यहाँ पे हुई है कब जब आपने सॉर्ट फंक्शन में क्या लिखा एक्सल टू जीरो सो होप आपको सॉर्टिंग समझ में आई अच्छे से यहाँ पर किस तरीके से आपको कॉलम वाइज रो वाइज सॉर्टिंग करवानी है ट्रांसपोज कैसे होती है मैट्रिक्स ओके okay? और कैसे आप डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन को यहाँ परफॉर्म करते हो किस तरीके से आंसर जनरेट होता है क्लियर सो so, चलते हैं वापस स्लाइड पर Prince, hope आपको प्रैक्टिकल समझ में आया जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से आप transpose, sorting और arithmetic operation को नम पाए, पे perform कर सकते हो well okay? so, वन तो YouTube के साथ साथ access कर सकते डॉट कॉम वेबसाइट से भी ठीक है magnetbrains.com ब्रेन्स डॉट कॉम लिखना इस तरीके का होम पेज शो होगा यहाँ पे क्लास इलेवन सेलेक्ट कर लेना जैसे ही क्लास इलेवन सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स की प्ले लिस्ट पर जहाँ पे अपना सब्जेक्ट क्लास इलेवन आईपी वोचनाओ पे क्लिक करना

12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा कर सकते हो सो so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ टिल देन स्टे स्टे हैप्पी थैंक यू सो मच